सिंगरौली में स्थापित हो रही औद्योगिक कंपनियों में विस्थापितों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कलेक्टर आर.आर. मीणा ने जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने सही मुआवजा नहीं मिलने सहित कंपनी पर कई आरोप लगाए, जिस पर कलेक्टर ने समस्या के समाधान करने की बात कही है। सिंगरौली में स्थापित हो रही आंध्र प्रदेश माइनिंग डेवलपमेंट कंपनी के अधिग्रहण में विस्थापित हो रहे 352 ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। विस्थापितों का आरोप है कि कंपनी मुआवजा कम दे रही है, साथ ही सही ढंग से कंपनी पुनर्वास नीति का पालन नहीं कर रही है और सिंचित भूमि को असिंचित लिखा गया है। स्थानीय विस्थापितों की समस्याओं को सुनकर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कहा कि इन सभी लोगों की शिकायतों को ई समीक्षा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है और इसका कानूनी रूप से हल निकाला जाएगा। अभी हम सारे जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जिनके कभी भू अर्जन हुआ है और रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट उनका हुआ था या वर्तमान में चल रहा है, उन सभी के जितने भी विस्थापित अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें कि किस किस तरीके की समस्याएं उनको आ रही हैं उनका वो अपना समक्ष में बता सकते हैं और उनके जो आवेदन उनको हम प्रॉपर तरीके से दर्ज करके और उनका निराकरण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ अटल क्या सामुदायिक भवन में है, हम लोग कोई पता नहीं था कि यहाँ सुनवाई है कि नहीं है, न गांव में कोई प्रचार प्रसार किया गया है ना। हम लोग तो सुन के चले आए हैं, है ना। समस्या तो बहुत है वहाँ के लिए, मतलब वहाँ के मूल निवासियों का कम से कम 10% लोग छूटे हैं। स्थानीय लोगों ने इस सुनवाई को लेकर आरोप लगाया कि विस्थापित सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, इस सुनवाई की जानकारी विस्थापितों को सही ढंग से नहीं दी गई, हम लोग जनसुनवाई सुनकर ही आ गए हैं, 6 सालों में इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकल पाया है। यहाँ पे आज हम लोग को सुबह अचानक पता चला कि APMDC द्वारा कलेक्टर साहब जो है कि जनसुनवाई कर रहे हैं, तो अगर इनको जन सुनवाई करना था तो अग्रिम सूचना देना चाहिए। बताइए सर, हम लोग दुर्गम क्षेत्र से हैं, गांव में है, वहाँ पे हम लोग को पेपर थोड़ी जा रहा है कि हम लोग को पता चले। एटलीस्ट जिस गांव में आपका जन सुनवाई करना है वहाँ पे जाके आप ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना दिलवा सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।